हेलो फ्रेंड, आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे बीए सेकंड ईयर यानी आपकी ग्रेजुएशन आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली है और सेकंड ईयर में यदि आपको फी पेमेंट करनी है सेकंड ईयर की, उसकी फी पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास यूजर आईडी भी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है, तो हम फी पेमेंट कैसे करेंगे? पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी गाइज। यदि आपने शुरू से लास्ट तक की वीडियो देखनी होगी आपको और लाइक एंड शेयर जरूर करना होगा कैरियर एनसीज को, फिर हम आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपके गूगल ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बताऊंगा कि बीए सेकंड ईयर यानी कि ग्रेजुएशन सेकंड ईयर की यदि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिए अपने सेकंड ईयर की फी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर पाते हैं, शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में देखने मिल जाएगी गाइज। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फॉर्म वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, जैसा कि हमने अपने गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर ओपन कर लिया है, यहाँ पर लिखेंगे हायर एजुकेशन, HIGHER एजुकेशन, ठीक है, EDU यहाँ पर लिख देंगे, सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर देख पाएंगे DHE ऑनलाइन एडमिशन हायर एजुकेशन हरियाणा, सबसे टॉप में आपके सामने देखने को मिल रही है, इसी पर हम टैप कर देंगे। जैसे टैप करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, इस तरह के आपके सामने वेबसाइट देखने को मिल जाएगी गाइज। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं UG सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी सेकेंड ईयर की मेरिट लिस्ट के बारे में, स्टूडेंट चेक दियर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह सेकंड लिस्ट भी डल चुकी है इसकी, और फी पेमेंट भी कर सकते हैं इसी पोर्टल पे, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एडमिशन के लिए ERP पोर्टल पर जाके पेमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस, इसको यहाँ से हम हटा देंगे, उसके बाद में स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, इस पर आपको टैप कर लेना है। सबसे पहले टैप करेंगे जैसे, उसके बाद में आपको अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन और पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शन ये देखने मिल जाता है आपको, यदि UG हैं तो UG वाले और PG हैं तो PG वाले, इस पर हम टैप करेंगे। उसके बाद में स्कूल बार थोड़ा ऊपर करना, एडमिशन ईयर का आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है फर्स्ट ईयर, और इसमें सेकेंड ईयर का भी ऑप्शन है, ठीक है, सेकेंड ईयर वाले ऑप्शन भी टैप कर लेना। उसके बाद में आपको स्कूल ऊपर कर लेना, आपके पास पासवर्ड तो नहीं मिलेगा, मिल जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो उसके बाद में फॉरगॉट पासवर्ड कर लेना, ठीक है, हम फॉरगॉट पासवर्ड पे टैप कर लेते हैं। जैसे फॉरगॉट पासवर्ड टैप करेंगे, उसके बाद में इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है फॉरगॉट पासवर्ड का, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का भी कर सकते हैं और सेकेंड ईयर का भी यहाँ से सेलेक्ट करके, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा स्क्रॉल बार ऊपर करेंगे, UG लिखा जाएगा, आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना है यहाँ पर, अपने जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं कॉलेज में वही मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर लेना, फिर सेंड OTP कर देना। मैं आपको किसी स्टूडेंट का दिखा देता हूँ गाइज यहाँ पर, तो गाइज मैंने मोबाइल नंबर दर्ज कर दिया है, मैं सेंड OTP कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे सेंड OTP करूँगा, उसके बाद में स्क्रॉल बार ऊपर करना होगा, ठीक है, यानी OTP जा चुका है हमारा मोबाइल नंबर, जैसे एंटर OTP रिसीव, ठीक है, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है और यहाँ पर लिखा आएगा आपको प्लीज़ एंटर दी OTP सेंट ऑन यूअर मोबाइल नंबर, आपके लास्ट के 3 डिजिट मोबाइल नंबर हैं वो यहाँ पर शो कर देता है आपको, ठीक है। इसी नंबर पे आपके एक मैसेज गया है OTP, वो इस यहाँ पर आपको अपडेट यानी फिल कर लेना है, ठीक है, OTP को फिल करने के बाद में आपको क्या करना होगा, गेट न्यू पासवर्ड के नाम से ऑप्शन दिखा है, देखने मिल रहा है आपको, इस पर आपको टैप कर लेना है। ये टैप जैसे कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ऑटोमेटिक आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज चला जाएगा, उसमें आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड दोनों देखने को मिल जाते हैं। उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से हम अगले स्टेप के अनुसार वहां पर चले जाएंगे, दोबारा से लॉगिन वाले ऑप्शन पे, स्टूडेंट लॉगिन पे, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन वाले पे जाकर वहां से लॉगिन करेंगे, फिर इस पर पेमेंट कर लेते हैं गाइज। तो गाइज जब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं लॉगिन वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार थोड़ा ऊपर करना होगा, ऊपर करने के बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले ऑप्शन पे चूज कर लेंगे, चूज करने के बाद में यहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर गाइज मैंने जो आपको बताया था यूजर आईडी आपके पास जो टेक्स्ट मैसेज में आया है मैसेज, वो यूजर आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे, वो जो पासवर्ड भी आया है वो पासवर्ड यहाँ फिल कर देंगे, उसके बाद में जो कैप्चा कोड है फिल कर देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे लॉगिन कर लेते हैं गाइज। तो गाइज इसके बाद में हमारे पोर्टल भी लॉगिन हो गया है यहाँ पर, ठीक है। लॉगिन होने के बाद में जी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्टूडेंट की डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन कर दिया, यहाँ पर फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, स्क्रॉल बार ऊपर करके भी देख सकते हैं। तो गाइज हमें तो यहाँ पर फी पेमेंट करनी है, तो पे फीस वाले ऑप्शन पर टैप कर देंगे। जैसे पे फी वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे, उसके बाद में स्क्रॉल बार ऊपर कर लेना, ऊपर करने के बाद में फिर क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ गाइज। पे फीस वाले पर टैप कर देंगे, ठीक है, ये कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस चल जाती है, उसके बाद में पे फीस का ऑप्शन आपके सामने इस तरह से यहाँ पर दिखाएगा। स्क्रॉल बार ऊपर करने के बाद में टोटल जो फीस होगी आपकी, सब्जेक्ट वगैरह क्या होंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। टोटल फीस ₹1950 है। प्रोसीड फॉर फी पेमेंट यहाँ पर प्रोसीड कर देते हैं हम यहाँ पर,
जैसे प्रोसीड करेंगे अगली टैब हमारी आपके सामने ओपन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह का ऑप्शन आपके सामने आ जाता है। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या QR कोड या UPI पे पेमेंट कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर जिस पर आप टैप करेंगे वही डिटेल आपको फिल कर लेनी होगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं डेबिट कार्ड से कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो डेबिट कार्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। QR कोड कर लूँगा तो QR कोड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे करने के बाद में यहाँ पर आपको कार्ड नंबर फिल करना होगा, जो भी कार्ड है आपके पास, चाहे वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो या रुपए कार्ड हो, सारे एक्सेप्टेबल होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गाइज मैंने कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल कर दी है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे। अब मैं यहाँ पर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे चूज कर लेता हूँ। उसके बाद में हमारे पास एक OTP आएगा, ठीक है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद में हमारे पास OTP आ जाता है। OTP हम यहाँ पर फिल कर देते हैं, फिर सबमिट कर देते हैं। गाइज OTP हमारा आ चुका है 6184, OTP हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो गाइज जैसे आप ही पेमेंट कर देंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर सक्सेसफुली ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। वो आने के बाद में फिर आपको क्या करना होगा, रिटर्न टू होम पेज पे। रिटर्न टू होम पेज करने के बाद में दोबारा से आपको री लॉगिन करना होगा। री लॉगिन जैसे ही करेंगे तो फिर भी आपको इसी तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, कहीं प्रिंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप पे वाले ऑप्शन पे दोबारा फिर से टैप कर लेना। जैसे आप टैप करेंगे उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाता है, यू कैन नॉट प्रोसीड विद रिफी पेमेंट एज इट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड। यानी पेड यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, देख पा रहे हैं कि आपने फी पेमेंट तो कर दी है, अलर्ट भी आ चुका आपके सामने, इसके लिए ओके करना पहले आपको। जैसे आप ओके कर लेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। यानी जो ट्रांजेक्शन की थी हमने 1950 रुपये की, वो सक्सेस हो चुकी हमारी, ठीक है। मैंने जैसे OTP वगैरह लेके कंप्लीट सक्सेस होने के बाद में एडमिशन स्टेटस एडमिटेड दिखा रहा आपके सामने। एक्शन यहाँ पर प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। प्रिंट रिसिप्ट करने के बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं गाइज, ठीक है, या फिर आपको स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं इसका, या फिर अपने मोबाइल वगैरह कहीं भी शेयर कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट से जरूर बताएं। और हमारे नेक्स्ट नमस्कार, जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।